हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता होगा कि जो है पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर्स में कवर करा रहा हूं छत्तीसगढ़ के। ये यहां पे जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार हुए बहुत मेहनत से तैयार हुए हैं, ठीक है। इसमें हर टॉपिक को कवर किया गया है, चाहे पुरस्कार से हो, चाहे छत्तीसगढ़ की योजना से संबंधित हो, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा इसमें। सभी टॉपिक इसमें जो है कवर कराया जाएगा, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर दी हूँ, उसको आज मैं प्लेलिस्ट बना दूँगा मतलब जो है पिछले 6 मंथ के जो करंट अफेयर्स ऐसा करके जो है उसको मैं प्लेलिस्ट बना दूँगा। उसमें पार्ट वाइज अपलोड करते जा रहा हूँ, उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है जी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया, बहुत मेहनत से कंटेंट को तैयार किया गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया गया है और पूरा डिटेल के साथ हर मंथली यहाँ पे जो है कवर कराया गया। अगस्त के बीच जो मैं कवर करा चुका हूँ, ठीक है। तो हर टॉपिक को कवर किया गया इसमें, चाहे जो भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे पीएससी हो, व्यापम में हो, चाहे छत्तीसगढ़ की भर्ती हो, या मतलब जो शिक्षक भर्ती हो, उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जो है जितने भी पुरस्कार सम्मान राशि हैं इसको हम कवर करेंगे। कल जो है जितने भी छत्तीसगढ़ की योजनाएं हम उसको हम बात करेंगे, जो रिसेंटली भी जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई थी, ठीक है जी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को गोल्डमैन, ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन से व्यक्ति को गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज, ये 2024 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है? विष्णुदेव साय, भूपेश बघेल, आलोक शुक्ला या संतोष चौबे, ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, आलोक शुक्ला। याद रखिएगा इनको जो है 2024 के लिए, कौन सी ईयर के लिए, ईयर भी ध्यान देना है, ठीक है जी। 2024 के लिए इनको जो है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल जो है प्राइज इनको 2024 इनको सम्मानित किया है। आलोक शुक्ला नाम को आपको याद रखना है, ठीक है जी। ये सभी को पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये सभी जो MCQ है यहाँ पे जो है एक तरह का रिवाइज और मॉडल पेपर का टाइप का है, ठीक है जी। हम यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करेंगे, सभी 6 मंथ के कवर करंट अफेयर्स कवर करना, इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी कवर कराया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, आयुष्मान भारत गुणवत्ता स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बलौदा बाजार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र जो आपके सहरसा में है, ठीक है, कहाँ पे है, सहरसा। मात्र सहरसा करके भी आपको दिया जा सकता है, यहाँ पे जैसे पूरा डिटेल दिया है कि बलौदा बाजार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र सहरसा करके आपको दे सकता है, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन करके रख सकते हैं। इसके बाद जिला चिकित्सालय जो है कोंडागांव की टीम को, मतलब उपयुक्त दोनों को, ठीक है, एक बलौदा बाजार का जो है आयुष मंदिर जो उप स्वास्थ्य केंद्र है आपका जो है सहरसा को, और दूसरा है आपका जो है जिला चिकित्सालय कोंडागांव के जो टीम को, इन दोनों को जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 2024 इनको सम्मानित किया गया, ठीक। मतलब जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता प्रदान करने, ठीक है, देख रेख के लिए जो ये जो है अवार्ड को उनको प्रदान किया गया है 2024 के लिए। डाटा आपको याद रखना है 2023 के लिए है कि 2024 के लिए, ठीक है जी। चलिए थर्ड क्वेश्चन है कि भारत गौरव सम्मान, ठीक है, भारत गौरव सम्मान 2024 में इनमें से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है जी। संतोष चौबे, भूपेश बघेल, विष्णुदेव साय उपरोक्त सभी। तो संतोष चौबे को, ठीक है, संतोष चौबे जी को भारत गौरव सम्मान 2024 इनमें जो है इनको जो है सम्मानित किया। संतोष चौबे याद रखिएगा किस, मतलब जो है कौन सा अवार्ड दिया है, भारत गौरव सम्मान ये जो है संतोष चौबे जी को दिया गया है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए चौथा क्वेश्चन, इनमें से किस हस्तशिल्पकार को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, उनको बताना है, ठीक है। तो हस्तशिल्पकार को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है, तो सुंदरलाल झारा एक ताल रायगढ़ से, ठीक है जी। समीप विश्वकर्मा, लव शिल्प गोंगरीगुड़ा कोंडागांव, ठीक है, समीप विश्वकर्मा जो है लव शिल्पकार है डोंगरीगुड़ा कोंडागांव के रहने वाले। इसी तरह जो सुंदरलाल झारा है, ठीक है, ये जो है एक ताल के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, ये रायगढ़ जिले से हैं, ठीक है जी। सी है आपका मनधर कश्यप, नाम को याद रखें, मनधर कश्यप जो है एक काष्ठ शिल्पकार है, कहाँ के रहने वाले हैं, बस्तर के रहने वाले। मतलब जो है इन तीनों को ए बी सी आपका जो है ये आपका सही है, ए बी सी सही है। बाकी इनमें से हमसे क्वेश्चन पूछा कि जो है
जो हस्तशिल्पकार, हस्तशिल्पकार किसको बोला जाता है, जो हाथों से उनको जो कलाकृति बनाई जाती है शिल्पकार होते हैं, उसको जो है हस्तशिल्पकार बोला, ठीक है। तो जो है राज्य स्तर पर पुरस्कार इनको दिया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन की किसको सम्मानित नहीं किया है उसको बताना है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तीजन बाई को लोक गायक दुर्ग के लिए इनको दिया गया है ऐसा करके बोला है, यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे शिल्पकार की बात कर रहे हो, तीजन भाई आपका पनवानी गायिका, तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है जी। इस तो इस तरह के जो क्वेश्चन को बारीकी से आप जब एग्जाम में बैठेंगे अच्छे से देख के इसको बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं कि नागपुर के अखिल भारतीय संस्था विश्व आरोग्य सेवा द्वारा बस्तर क्षेत्र के किसे योग रत्न, याद रखिएगा, योग रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है, डॉक्टर नीलम मांझी, मनोज पाणिग्राही को, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर गुरुमुख सचदेव जी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनोज पाणिग्राही, इनको जो है 2024 के लिए किस लिए अवार्ड, ये जो है अवार्ड इनको किस लिए दिया जा रहा है, तो नागपुर के अखिल भारतीय संस्था द्वारा विश्व आरोग्य सेवा, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये जो है बस्तर के जो है रहने वाले हैं, ठीक है, बस्तर क्षेत्र के जो है जो मनोज पाणिग्रही इनको जो है योग रत्न जो है, ठीक, स्वास्थ्य और जो है योग के मामले में जो अवार्ड 2024 इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है जी। डॉक्टर मनोज पाणिग्रही नाम को कम से कम आपको याद रखना ही रखना है। चलिए छठा क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, कमर गौरव सम्मान, ठीक है, याद रखिएगा कमर गौरव सम्मान 2024 में किसे सम्मानित किया, नंद कुमार साय, विष्णुदेव साय, रमेश कुमार साय या अशोक साय, ठीक है। यहाँ पे कमर, या हम इसके पहले जो हम पढ़े थे, यहाँ पे हम इसके पहले योग रत्न के बारे में पढ़े, ये जो है आपका कंवर गौरव सम्मान है, इसे 2024 से सम्मानित किया गया हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, ठीक है। तो कंवर गौरव सम्मान 2024 से सम्मानित किया है हमारे मुख्यमंत्री जी को, विष्णुदेव साय जी को, तो याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन तरफ, इंडिया ग्रीन एनर्जी, याद रखिए इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल जो विकास प्राधिकरण को जो है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 इनको जो है सम्मानित किया गया, किसको, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को ग्रीन एनर्जी अवार्ड, ठीक है, इंडिया ग्रीन एनर्जी जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया है, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी, याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगा, ये जो है 2022 के जगह ये 2024 रहेगा, ठीक है। तो संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है छत्तीसगढ़ के जो है पूनम तिवारी कहाँ के रहने वाली है, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला, छत्तीसगढ़ के लोक गायिका हैं, ठीक है जी। इनको 2024 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2024 इनको सम्मानित किया है, पूनम तिवारी राजनांदगांव के रहने वाले ही, छत्तीसगढ़ की लोक गायिका है, संगीत के क्षेत्र में जो इनको जो है अवार्ड दिया गया है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा, ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा बारिश का आपका वॉइस आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गए, ठीक है जी, तो इसको इग्नोर करिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से छत्तीसगढ़ से किसे सम्मानित किया गया है, तो अरवन उबरानी को, रितिका ध्रुव को, विराट अय्यर को, आरू साहू को, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरमान उबरानी, ठीक है। तो हर साल आप सभी को पता होगा जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार केंद्र लेवल पे दिया जाता है, तो 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से छत्तीसगढ़ के जो अरमान उबरानी को जो है दिया गया, तो नाम को आपको याद रखना है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो विश्वविद्यालय द्वारा इनमें से किसे मानक उपाधि दिया गया है, श्री अजीत डोभाल जी जो हमारे सुरक्षा सलाहकार हैं भारत के, ए सोमनाथ कौन है, तो हमारे इसरो का भी चेयरमैन है, सॉरी, ठीक है, तो अजीत डोभाल कौन है, हमारे जो है सुरक्षा सलाहकार है, ए सोमनाथ जी हमारे इसरो के चेयरमैन है, कई बार बताया हूँ, विराट कोहली आप सभी को पता क्रिकेटर है, नाम उमर ये धर्म गुरु हूँ, उपरोक्त सभी दिया है, तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी के नाम से हम जानते हैं, इनमें से मानक उपाधि दिया गया अजीत डोभाल जी, श्री एस सोमनाथ जी, विराट कोहली और इमाम उमर धर्मगुरु हैं, ठीक है, तो मतलब उपरोक्त सभी जने को यहाँ पे जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ के, इनके द्वारा मानक उपाधि प्रदान किया गया है, ठीक है जी, इसका ई ऑप्शन उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, राज्य वीरता पुरस्कार,
2023-24 से सम्मानित किया, ठीक 2023 और 24 से डाटा लिया गया है। तो राज्य वीरता पुरस्कार 2023-24 से सम्मानित किया है अर्नव सिंह, ठीक है। अर्नव सिंह कहाँ के हैं, सरगुजा के हैं। ओम उपाध्याय दुर्ग के रहने वाले हैं। प्रेमचंद साहू रायपुर से हैं। लोकेश साहू ये भी रायपुर से हैं, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो वीरता पुरस्कार 2023-24 के लिए सम्मानित किया गया है अर्नव सिंह सरगुजा, ओम उपाध्याय दुर्ग, प्रेमचंद साहू रायपुर, लोकेश साहू रायपुर, मतलब उपरोक्त सभी को जो है वीरता पुरस्कार 2023-24 से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है जी। चलिए 12वां क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति पुलिस पदक, ठीक है, राष्ट्रपति पुलिस पदक इनमें से किसको मिला है। आईपीएस अमित कुमार, ठीक है, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं। केएल ध्रुव, ठीक है, पुलिस महा जो है निरीक्षक हैं केएल ध्रुव। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आईपीएस, ठीक है जी, जो अमित कुमार को जो अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं इनको राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक दिया गया है। केएल ध्रुव जो पुलिस महानिरीक्षक हैं केएल ध्रुव, ठीक है जी, तो इनको भी जो है राष्ट्रपति पुलिस पदक इनको दिया गया है। मतलब जो है दोनों जने को ए और बी, मतलब उपरोक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2024 का जो है अवार्ड किसे मिला है। कांकेर पुलिस, सरगुजा पुलिस, रायपुर पुलिस या बस्तर पुलिस, याद रखिएगा। तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये 2024 का अवार्ड जो है कांकेर पुलिस को दिया गया, याद रखिएगा। कांकेर पुलिस को 2024 के लिए जो है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये जो अवार्ड जो है कांकेर पुलिस को दिया गया, इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड 2023-24 है, ठीक है, 2023-24 से सम्मानित किया गया। रीना बाबा, साहब कंगाले, विनीत नंदवार, डॉक्टर संजीव झा, उपरोक्त सभी। तो रीना पापा जो साहब कंगाले इनको जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड 2023-24 से इनको जो है सम्मानित किया, रीना पापा साहब कंगाले, नाम को याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है। बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड 2023-24 से किससे सम्मानित किया गया है, ठीक है, रीना पापा, साहब कंगाले, विनीत नंदनवार, डॉक्टर संजीव झा या उपरोक्त सभी। तो बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया गया है विनीत नंदनवार, याद रखें विनीत नंदनवार को जो है इलेक्शन कराने के मैनेजमेंट, बेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए जो 2023-24 से इनको सम्मानित किया मैनेजमेंट इलेक्शन के मामले में, ठीक है जी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है। राज्य स्तरीय जो सर्वश्रेष्ठ जिला स्वीप पुरस्कार दिया गया है, ऋतुराज रघुवंशी जो आईएएस ऑफिसर हैं, प्रियंका शुक्ला ये भी आईएएस ऑफिसर हैं, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय पे सर्वश्रेष्ठ जिला स्वीप पुरस्कार, ठीक है जी, दिया गया है ऋतुराज रघुवंशी, ये भी आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ये भी आईएएस ऑफिसर हैं, मतलब उपरोक्त दोनों को जो है राज्य स्तर पर, ठीक है, स्टेट लेवल पर जो सर्वश्रेष्ठ जिला स्वीप पुरस्कार दिया गया है ऋतुराज रघुवंशी और दूसरा नाम याद रखना है डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, दोनों जने को जो है पुरस्कार दिया गया, ठीक है जी। यहाँ पे कल का सेशन ये रहेगी कि छत्तीसगढ़ की जितने भी 2024 के जो योजनाएं हैं हम उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, कल जितने भी योजनाएं उसको हम पढ़ेंगे, इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, इसको देखिएगा, लास्ट टाइम आप एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। माँ आप समझदार हैं, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है जी। बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार होता है, थैंक यू।